नमस्कार दोस्तों, अब जो टाइम आया है ना अक्टूबर का, नवंबर का, ये एकदम परफेक्ट टाइम माना जाता है एक न्यू पपी लेने के लिए, क्योंकि इस मौसम में ज़्यादा ना ठंड होती है, ना गर्मी होती है, ना बारिश की कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है एक न्यू पपी लेने के लिए। आज की जो ये वीडियो है, ये इस टॉपिक पे होने वाली है कि एक रॉटविलर का पपी हमें पेट शॉप से क्यों नहीं लेना चाहिए। यदि हम पेट शॉप से रॉटविलर का पपी ले लेते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हमें देखने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं, ब्लैक मैजिक, तंत्र या स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरा जो नया चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के नीचे भी जाके मिल जाएगा, जाके जरूर चेक करें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि रॉटविलर का जो पपी है वो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए एक पेट शॉप से। अब जैसे एक केस आता है रॉटविलर का कि रॉटविलर ने अपने ओनर के ऊपर अटैक कर दिया, रॉटविलर नॉट फॉर सेफ डॉग है ना, वो घर के लिए नहीं है, वो छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है। ठीक है, उसको रखना नहीं चाहिए। इस कारण क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि बैन तक हो गया था इंडिया में रॉटविलर। अब उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि रॉटविलर का जो टेम्परामेंट इशू है वो क्यों आता है, क्यों उसके नेचर में इतना चेंज आ जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि जो रील्स वगैरह में, यूट्यूब वगैरह पे, कि रॉटविलर छोटे बच्चों के साथ कितने फ्रेंडली है, घर में कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितने ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, बहुत क्यूट लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉटविलर इतना ज़्यादा खूंखार भी बन जाता है कि उसका मालिक उसके पास नहीं जा पाता। तो देखो, जब हम एक पेट शॉप से डॉग लेते हैं ना, तो हमें उसका नहीं मालूम होता कि क्या उसके पेरेंट्स हैं, कैसी वो लाइन कैरी कर रहा है, क्या उसका जेनेटिक रहा है, उसके पेरेंट्स का टेम्परामेंट कैसा रहा था। ठीक है, और यकीन मानिए, पेट शॉप में, सब पेट शॉप की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर जो पेट शॉप वाले होते हैं वो एक डील फिक्स करके रखते हैं। वो देखते हैं कि हमारे आसपास में या थोड़ी दूरी पे किन किन घरों में रॉटविलर की फीमेल्स हैं। ठीक है, वो वहाँ कॉन्टेक्ट बना के रखते हैं कि भाई तेरे पास ये फीमेल है, तेरे से इतना बच्चा मैं उठा लूंगा और इतने पैसे में उठा लूंगा। तो जैसे मान लो 5,000 का उसने बच्चा उठाया रॉटविलर का, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, रॉटविलर के बच्चे 5,000 में ही मिल जाते हैं, उठाया और 10-12 हज़ार का इजीली वो सेल कर देता है पेट शॉप पे लाके। ठीक है, उसका तो फायदा हो गया। अब जहां से उसने बच्चा लिया, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि उस पर्सन ने उस फीमेल को कैसे रखा हो। ठीक है, कोई हमें नहीं मालूम कि मेल कौन सा यूज में लिया हो उस फीमेल के लिए। ठीक है, उसके पेरेंट्स कैसे रहे हो, हमें कुछ आइडिया नहीं है। हमने खाली पपी देखा, मदर फादर की फोटो देखी और हम पपी ले आए पेट शॉप से। फिर उसका टेम्परामेंट इशू रहेगा, हम देखेंगे कि छोटा सा बच्चा एग्रेसिव मिलता है, थोड़ा काटने वाला, गुस्से वाला, और हमें लगता है कि ये एक्टिव है, वो एक्टिवनेस नहीं होती। यकीन मानिए, अगर आप एक पपी लेने जाते हो रॉटविलर या उसके जैसी दूसरी ब्रीड, और वो बचपन में ही आपको बाइट करने की कोशिश करे, आपको काटने की कोशिश करे, गुस्सा करे, तो वो इन फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो बहुत ज्यादा डेंजरस बने। जो एक्टिवनेस होती है वो होती है खेलने कूदने वाली, भागने वाली, प्यार करने वाली, वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, फिर जो पेट शॉप से जो बच्चे लेते हैं वो ज्यादातर सस्ते बच्चे होते हैं, और वो लोग वो लेते हैं जो फाइट करवाना चाहते हैं या अपने डॉग को खूंखार से खूंखार बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो एक तरीके से इनलीगल है डॉग फाइटिंग, फिर भी ले लिया। अब लेने के बाद क्या होगा, उसको बड़ा करेंगे, उसको फाइटर बनाएंगे, फिर उसकी ब्रीडिंग करेंगे, फिर वही बच्चा उसी पेट शॉप के पास जाएगा, पेट शॉप वाले के पास, और वही पेट शॉप वाला किसी अच्छी फैमिली को वो बच्चा सेल कर देता है। फिर वो बच्चा उस फैमिली के अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, काटेगा, बड़ा होने के बाद खतरनाक बन जाता है। इसलिए पेट शॉप से बच्चा कभी मत ले, पहला रीजन ये। दूसरा रीजन, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। जो बोन टाइप आप देखते हो रॉटविलर का फोटोज में गूगल पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब वगैरह पे, तो काफी हैवी बोन के, हैवी फेस के रॉटविलर पपी मिलते हैं, पेट शॉप पे आपको वैसे नहीं मिलेंगे। आप पेट शॉप वाले के पास जाके बोलोगे कि यार भाई ये जो डॉग है, ये जो पपी है, ये वैसा तो है ही नहीं जैसा मैंने फोटो में देखा। पेट शॉप वाला पता है क्या बोलता है, अरे सर देखो फोटो क्या होती है कि पास में खींची जाती है, फिर उसको एडिट किया जाता है और ये होता है, बाकी रियल तो यही है रॉटविलर, और ये सबसे ज्यादा हैवी बोन का है, तो ये उनका फिक्स होता है बेवकूफ बनाने का। इसलिए पेट शॉप से रॉटविलर मत लेना, एक तो लो बोन के आएंगे, टेम्परामेंट इशू आएगा, यदि जेनेटिक कोई उसमें बीमारी हो उसके पेरेंट्स में, पार्वो या और कुछ, तो
तो वो भी उस पपी के अंदर आएगी ही आएगी। तो वो सारी जो प्रॉब्लम है आपको फ्यूचर में फेस करनी पड़ेगी जैसे जैसे पपी बड़ा होगा। यहाँ तक इतना भी देखा गया है कि काफी ऐसे पेट ओनर है जो मुझे बताते हैं कि हमने पेट शॉप से पपी लिया, प्रॉपर वेट करवा के, डिवॉर्मिंग करवा ली, सब कुछ करके देख लिया, टैबलेट चेंज करके भी देख ली, फिर भी अपनी पोटी खा जाता है। आप सोचो कितना बुरा लगता होगा उन लोगों को कि वो एक पॉपी लेके आए थे कि हम उसको घर में रखेंगे, बेड पे बैठाएंगे और साफ सुथरा रखेंगे, और वो ऐसी हरकतें कर। तो ये भी उसके जेनेटिक ही होता है कहीं ना कहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि पेट शॉप से कभी पपी नहीं लेना। फिर कहाँ से ले पपी? एक अच्छे ब्रीडर से आप पपी लीजिए जो अच्छा नाम रख रहा हो, जो डॉग की ब्रीडिंग ऐसे नहीं है कि केवल पपी सेल करने के लिए कर रहा हो, जो डॉग को समझता हो, जो एक अच्छी ब्लड लाइन से डॉग रख रहा हो, जो अपना नाम अच्छा करना चाहता हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपना नाम करना चाहता है इस लाइन में वो कभी भी कस्टमर के साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा। और आप कैसे जज कर सकते हो एक ब्रीडर को कि वो एक अच्छा ब्रीडर है या नहीं? कोई भी ब्रीडर, वो किसी भी डॉग की ब्रीडिंग कर रहा हो, किसी भी ब्रीड का हो, चाहे रॉटवीलर हो, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, आप उसके डॉग के बारे में कुछ क्वेश्चन कीजिए उस ब्रीडर से, चाहे हिस्ट्री को लेके, चाहे बाइट फोर्स को लेके, चाहे बॉडी टाइप को लेके, चाहे एनाटॉमी को लेके, चाहे नेचर को लेके, जो भी आप पूछ सकते हैं पूछिए। यदि उसको उस क्वेश्चन के आंसर आते हैं, आप 5-6 क्वेश्चन कीजिए, यदि उसको आते हैं तो इसका मतलब वो सीरियसली उन डॉग की ब्रीडिंग कर रहा है, वो उस डॉग को जानता है और उसको एक आगे अच्छे बड़े लेवल पे ले जाना चाहता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी दूसरे डॉग के बारे में एक रॉटवीलर ब्रीडर से पूछोगे या एक जर्मन शेफर्ड ब्रीडर से पूछोगे कि यार हमें पिटबुल के बारे में बता, ऐसा नहीं है पॉसिबल। लेकिन वो जिस डॉग की ब्रीडिंग कर रहा है उस डॉग के बारे में उसको सब कुछ पता होना चाहिए, तब वो एक जेन्युइन ब्रीडर कहलाएगा, है ना। दूसरी बात, आप उसके पेरेंट्स चेक कर सकते हो कि पेरेंट्स कैसे हैं, उनका बॉडी टाइप कैसा है, उनकी एनाटॉमी कैसा है। अगर मेल और फीमेल की एनाटॉमी अच्छी है, अच्छे उनका बॉडी टाइप है, तो यकीन मानिए जो आप पपी लेंगे वो भी बहुत अच्छी बॉडी टाइप का आएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का आएगा। इतना जरूर है कि आपको 10-12 हजार में एक ब्रीडर के पास रॉटवीलर नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई जानने वाला आपका ब्रीडर हो तो वो आपको सस्ता दे दे, या हो सकता है कि फ्रेंड के रूप में आपको गिफ्ट में भी दे दे। लेकिन अगर आप एक ब्रीडर सर्च कर रहे हो और आप लेने जाओगे पपी, तो आपको कम से कम 18-20 हजार तो मान के चलना ही पड़ेगा एक अच्छे रॉटवीलर पपी। 8 हजार, 10 हजार, 12 हजार में कोई भी ब्रीडर नहीं देने वाला, क्योंकि वो जब ब्रीडिंग करते हैं तो जो मेल फीमेल रखते हैं उनके ऊपर जो खर्चा आता है, फिर वो जो पपी को तैयार करते हैं 1.5-2 महीने तक अच्छा बनाते हैं, उसके ऊपर भी खर्चा आता है, तो वो 10-12 हजार में मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए एक अच्छे ब्रीड के ऊपर, एक अच्छे ब्रीडर के पास जाके। ठीक है, क्योंकि एक कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आप एक बार पैसा लगा दोगे तो आपको आपकी पसंद का जो पपी है रॉटवीलर का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप रॉटवीलर पपी लेने जा रहे हैं और आपको कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना यदि पहली बार आए।